सूरज का मजाज आज भी गर्म, आग बरसाने लगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरी निढाल हो गए। हवा 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही, नमी का तनासुब 28% रिकॉर्ड किया गया, पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं आइंदा 2 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। ईद खत्म, सरकारी छुट्टियां भी खत्म, शहरियों की मौज मस्ती नॉन स्टॉप जारी, तफरीगाहों की रौनकें आज भी दोबाला, शहरियों ने किया पार्कों और तारीखी मकामात का रुख, बच्चों का भी जीना भरा, सैर व तफरी का फिर कर लिया प्लान। ईद गुजर गई, अब सिर्फ काम, सरकारी इदारे और तजारती मराकज खुल गए, विफाक के जेर एहतमाम इदारों में आज भी छुट्टी, पीर से होगा मुकम्मल निजाम जिंदगी बहाल। कोर्ट लखपत जेल में कैदी नंबर 4470 से मुलाकात का दिन, नवाज शरीफ से मरियम नवाज अहले खाना आज मुलाकात करेंगे, ईद की छुट्टियों के बाद जुमेरात को मुलाकात नहीं कराई गई। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ तहरीक, शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर अहम इजलास बुलाए जाने का इम्कान, 10 जून को इजलास में मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा, सीनियर लीग रहनुमा शरीक होंगे, शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल का भी फैसला, कारकुनान को कल अलल सुबह 4 बजे पहुंचने की हदायत कर दी गई, अरकानी असम्बली की क्यादत में काफले एयरपोर्ट जाएंगे। कैंप जेल में ख्वाजा बरादरान से आज मुलाकात का दिन, लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मुलाकात करेगी, ख्वाजा बरादरान को नैब ने पैरागोन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार किया था। और मौसीकी की दुनिया का बड़ा नाम रफाकत अली खान बने लाहौर न्यूज के प्रोग्राम मेहमान खास के खास मेहमान, क्लासिकल गुलकार ने जिंदगी के यादगार वाकयात सुनाए, आवाज का जादू भी जताया।